आजमगढ़ और आजम खान रामपुर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 3 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता में रैली, सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। सपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जिसमें मुलायम सिंह का नाम नहीं है शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का एक बार फिर से नांदेड़ से लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी 26 मार्च को राजस्थान में जनसभाएं करेंगे। झारखंड की 10 सीटों के लिए भाजपा के उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन एमपी की मंदसौर से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटाल मोड़ा से लड़ेंगे चुनाव। उमा भारती बनाई गई नई बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। डांसर और एक्टर सपना चौधरी कांग्रेस में हुई शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को रद्द करके सारी राशि भारतीय सेना की मदद के लिए दान दी गई। आईपीएल 12 अपने घर में हैदराबाद का सामना करेगी कोलकाता। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 12 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में शुमार फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है। फिल्म फेयर अवार्ड्स का 64वां एडिशन मुंबई में चल रहा है। राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता आलिया भट्ट ने। संजू फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता रणवीर कपूर ने। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी रिलीज हो चुकी है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। इस साल नवंबर में रिलीज होने के बजाय 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी द अनसंग वॉरियर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं तनिषा शर्मा, इंडिया 24x7।